जी तो गाइस इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह आप लोग अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए आप कोई भी अपनी पोएट्री वीडियो किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने अपनी एक क्लिप ले ली है, तो इस क्लिप में थोड़े से मैंने इफेक्ट्स लगाए हैं, तो आप लोग को पिछली वीडियो में बताएंगे किस तरह इफेक्ट्स लगाते हैं। अब मैं ओवर लेआउट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा। वीडियो से पहले मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज को मैं अपनी जो पीछे हमारी क्लिप है उसके ऊपर पूरा एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट पर बस ओपेसिटी का ऑप्शन आएगा। ओपेसिटी को हमने इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये ओपेसिटी एडजस्ट कर ली, फिर दोबारा मैं ऐड ओवरले पे क्लिक करूँगा और वीडियोज़ में आके एक वीडियो बैक जो उसका बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होना चाहिए वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को जैसे सेलेक्ट किया उसका जो साइज़ है वो वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अब एडजस्ट करने के बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से भी मैं बैक ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। यहाँ बैक आके हमने उसी वीडियो को जो हमने लिया उस पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने लाइटनिंग वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लाइटनिंग वाला सेलेक्ट करेंगे तो जो इसका बैकग्राउंड ब्लैक था वो हाइड हो जाएगा और सिर्फ इसकी जो वर्डिंग है हमें वो नज़र आएगी। इसी तरह अब हम मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा डार्क शो हो, तो आप लोग इसे लास्ट पे ले जाए, एडजस्टमेंट पे आ जाए, क्लिक करें। मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारा कुछ शेड्स और जो शेप्स शार्पनेस है वो थोड़ी सी हाई कर देता हूँ और शेडोज इसके डाउट कर देता हूँ। तो सिंपली ये देखें, अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो हमारी एक वीडियो रेडी हो गई है। ये देखिए सिंपली जैसे टिकटॉक पे वीडियोस चल रही होती है उस तरह की हमारी एक वीडियो रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि जो बीच में इफेक्ट है वो इफेक्ट किस तरह करना है। आप लोग वीडियो को स्प्लिट कर लें और इस बीच में जो माइनस का एरो आएगा उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स पे जो जो इधर इफेक्ट्स लगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैं इफेक्ट मेरे पास थ्री है, मैं इसे ले लेता हूँ। अब ये देखिए वो मैंने इफेक्ट इधर लगाया, ये इफेक्ट हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। सिंपली इस तरह आप अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं टिकटॉक के लिए। अब यहाँ से मैं इसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह वो हाई करके इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ।